आज देखिए नवरात्र स्थापना दिवस है और आज लास्ट है नवमी का नवमी मनाई गई है हमारे यहाँ पर। और देखिए हमारे यहाँ पर दात माता की पूजा की जाती है, यहाँ पर हमने भोग लगा दिया है माता को देखिए। और देखिए कन्या माताओं को केला और अन्य प्रसाद दिया जा रहा है जो भी हमारे यहाँ पर बना हुआ है। और कन्या माताओं ने यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रसाद का भोग लगाया है। ये देखिए कन्या माता बाहर बैठी हुई है, ये हमारे यहाँ पर देखिए अलवर से इंदिरा कॉलोनी की कन्याएं, कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं बैठी हैं हमारे यहाँ पर। इन्होंने भोग स्वीकार कर लिया है और देखिए कन्याओं को क्या क्या दिया जा रहा है। देखिए केला है, प्रसाद है और ये है बादाम, किशमिश वगैरह। और ये हमारे मंदिर है, मंदिर में हमने पाठ पूजा कर चुके हैं। और देखिए और ये हमारे सैथल की दात माता है जो हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है और इनकी नवरात्र पे स्थापना की जाती है। और हमारे यहाँ पर कृष्ण भगवान जी बैठे हैं, कान्हा जी देखिए, कान्हा जी बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं मेवाल हिस्ट्री ब्लॉग। और बने रहे हमारे चैनल के साथ, आप देख रहे हैं मेवाल हिस्ट्री ब्लॉग। और आज है नवरात्र दिवस 2024 की नवरात्र दिवस है। कन्याओं को तिलक लगाया जा रहा है, ये देखिए भूमि का तिलक लगा रही है भूमि का मीना। कन्याओं को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। सभी के साथ प्रसाद के साथ 10-10 रुपए दिए जा रहे हैं कन्याओं के और पैर छुए जा रहे हैं। आज नवरात्र का लास्ट दिवस है और नवरात्र नवमी मनाई जा रही है अलवर के अंदर बहुत ही बड़े धूमधाम से। और कन्याएं माताएं हर घर में जाकर और देखो जेब भर रही हैं और आज के ही इनका जो दिन होता है जो इनको काफ़ी चीज़ें अलग अलग घर से मिलती हैं। देखो किसी को टिफ़िन मिला है, किसी को पर्स मिला है और काफ़ी चीज़ें मिली हैं इनको। देखो गुड़िया को देखो पर्स मिला है, तो ये बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं आज और अपनी अपनी बार बार पैसों को संभाल रही हैं। कितने इकट्ठे हो गए, 50-50 एक दूसरे को बता रही है मेरे पास इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए हैं, है ना, खुले करा ठीक है, कौन रह गया लेके। और फिर इनसे ये अपनी दिवाली का खर्च यूज करेंगे इन पैसों से और कपड़े भी लेकर आएंगी। आप देख रहे हैं मेवाल हिस्ट्री ब्लॉग और इस प्रकार की वीडियो हमारे यहाँ पर मिलेंगी अलवर शहर की। ये ब्लॉग हम अलवर शहर से बना रहे हैं, आप देख रहे हैं इंदिरा कॉलोनी से ये ब्लॉग। बच्ची आप दूसरी जगह जा रही हैं, इन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है हमारे यहाँ से। ये
और देखिए हम दिखाते हैं हमारे यहाँ पर एक हमारे मछली है जिसका नाम है वो क्या नाम है एलिस। इसका नाम एलिस है, आपको एलिस दिखा रहे हैं। ये देखिए एलिस है हमारे यहाँ पर और काफ़ी महीने से हमारे यहाँ पर एलिस है हमारे पास। देखिए एलिस बहुत ही रोमांचित है और तरह तरह की कलाएं दिखाती रहती है। ये एलिस है जो और देखिए यहाँ पर हमारे पास मनी प्लांट लगे हुए हैं और देखिए इस तरीके से ये सब ओरिजिनल है। इसे नकली मत समझना, ये सभी ओरिजिनल प्लांट है जो जिसे मनी प्लांट बोलते हैं। और देखिए दोस्तों, और दोस्तों आपको दिखा रहे हैं सैंथल की माता, दांत माता, जिनके आपको दर्शन कराते हैं। ये वहाँ पर इस तरीके से हैं, ये ओरिजिनल फ़ोटो है वहाँ की, ये ओरिजिनल फ़ोटो है वहाँ की। देखिए दांत माता की, ये दौसा क्षेत्र में पड़ती है, दौसा ज़िले में। ये सैंथल की माता हैं जो हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है इनकी, और बहुत ही चमत्कारी माता हैं जो हमें समय समय पर चमत्कार दिखलाती रहती हैं और हमें आगे बढ़ने में मौका देती हैं। ये हमारी माता है दांत माता जो सैंथल के अंदर है। आज हमने इनकी उपासना करी है। तो देख आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, आप देख पा रहे हैं मेवाल स्ट्री ब्लॉग। जय हिंद जय भारत के साथ, जय माता, जय नवरात्रा, माता की जय हो। और आप सभी के लिए दीपावली का त्यौहार और नवरात्रा का त्यौहार आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। और आप देख रहे हैं दोस्तों मेवाल हिस्ट्री ब्लॉग, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।